गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज भी हम लोग पूरी तरह रेडी हो चुके हैं और जा रहे कहीं पे, एक्चुअली लोग जा रहे एक मिनी पिकनिक बनाने के लिए। मैं आगे आगे आपको बताती हूँ कहाँ जा रहे, कौन कौन जा रहा है। और आज हमारे साथ ब्लॉग में से मैं, मम्मी, निशु, डैडी, बंटी और परी नहीं है, और भी बहुत सारे जन हैं। तो स्लोली स्लोली आई इंट्रोड्यूस टू एवरीवन के कौन कौन है ब्लॉग में और हम लोग कहाँ जा रहे। तो ये देखिए, मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने आज पूरा सिल्वर अटायर लिया है, सिल्वर कलर के जो मैं लिंकिंग रोड से इयरिंग लाई थी वो पहना है, सिल्वर बैंगल है, और इस कुर्ती मेरा जो मैं ऑलरेडी एक दो बार पहन चुकी हूँ जो आप लोग ने देख लिया है। तो और आज मैं मेरा गिम्बल भी यूज़ कर रही हूँ आफ्टर सो मेनी डेज। तो यहाँ पे डैडी भी लिफ्ट से आ चुके हैं। सो फाइनली वी हैव रीच द डेस्टिनेशन और हम लोग आए आए हैं जीवदानी मंदिर, जो हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। जब से हम लोग विरार शिफ्ट हुए, हम लोग घर में यही डिस्कस कर रहे थे कि सुशांत फ्लाई होने से पहले हम लोग को एक बार आना ही है देवी आई के दर्शन करने के लिए। एंड दिस इज़ द वेरी फेमस टेम्पल इन विरार, जीवदानी मंदिर। और मैं बहुत छोटी थी तभी आई थी, मेरी मम्मी के साथ, मतलब मेरी फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ, बहुत छोटी थी तभी आई थी। इतने सालों के बाद आज मैं आ रही हूँ और इस बार मैं मम्मी बन गई और अपने बेटी के साथ आई हूँ। सो सीधा ट्रांजिशन, सीधा फेस। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से दिस टेम्पल इज़ वेरी नियर। वी जस्ट टुक 10 मिनट्स टू रीच बाइक पे। मम्मी ये लोग आ रहे ओला में और यहाँ से अभी हम लोग टिकट बुक करेंगे, बिकॉज हम लोग सीढ़ी चढ़ के नहीं जाने वाले, क्योंकि मेरा बचपन का बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस रहा है। 2 दिन तक मेरे पैर बहुत दुख रहे थे, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि रोप रेल है उससे ही जाएंगे। सो वी आर ऑन द वे टू टेक द टिकट फॉर द रोप रेल। अगर आप रोपवे से जा रहे हो तो आप नीचे से ही साड़ी, ओटी, चुनरी, जो भी आपको लेना है ले लीजिए, क्योंकि एक बार आप ऊपर पहुंच जाओगे वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो नीचे से ही खरीद लीजिएगा। यहां से मेन एंट्रेंस स्टार्ट हो जाता है। ये आप स्टेयर्स देख रहे हो, ऊपर जाने के लिए स्टेयर कैसे, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये वाला है जो टिकट काउंटर है, जहाँ पर आप 200 रुपीज़ पर पर्सन रिटर्न टिकट मिलता है। तो अभी हम लोग रिटर्न टिकट निकालेंगे 9 जन के लिए। सानू तो छोटी है तो उसको फ्री में है, और हम लोग बाकी जन अभी लेंगे टिकट और जाएंगे। सिंस वी आर 9 पीपल तो हम लोग को 200 पर पर्सन रिटर्न का मिला, तो 1800 वी पेड फॉर द टिकट। तो अभी हम लोगों ने टिकट निकाल लिया है, मॉम, डैड और बाकी के लोग भी उतर चुके हैं उबेर से, और अभी हम लोग फाइनली जाएंगे रोप, क्या बोलते हैं उसको, रोप वे, उससे जाएंगे। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतने साल में कभी नहीं आया हूँ जब से रोप वे स्टार्ट हुआ है, और लॉकडाउन में तो पूरा बंद था। तो यस, स्टेयर से जाने का एक्सपीरियंस मैं बचपन में ले चुकी हूँ, इस बार रोप वे से जाएंगे। बट एक्चुअली असली मज़ा तो सीढ़ियों से जाने में ही होता है, जब आप थोड़ा चलते हो, थकते हो, रुकते हो, चलते हो, रुकते हो, एंड देन व्हेन यू फील अभी बस थोड़ा बचा है, थोड़ा बचा है, थोड़ा बचा है, वो एक्चुअली मेन उसमें बोलते हैं ना, असली मज़ा, असली एन्जॉयमेंट उसमें होता है फैमिली के साथ, जब सब मिलके वो मोमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। ये तो क्या, अभी हम रोप रेल में चढ़ेंगे, सीधा वो ऊपर लेके जाएगा और हमको उतार देगा और वहाँ से हम लोग दर्शन करने चले जाएंगे। तो बेसिकली शॉर्टकट हो गया है, ज़्यादा कम्फर्ट हो गया है। सो एनी वेज, वो तो मैंने बचपन में एक्सपीरियंस कर लिया, अभी ये वाला एक्सपीरियंस करके देखते, बिकॉज हमारे साथ सारे मोस्टली सीनियर सिटीजन हैं, तो उनको तो बाई स्टेयर्स नहीं जमेगा। तो हम लोग ने सोचा सब जन फिर एक साथ रोप रेल से ही, रोप वे से ही चले जाते हैं। सो फाइनली अब हम लोग बढ़ रहे उसके तरफ। मैं आपको भी आगे जाके दिखाती हूँ कैसा है, क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा। चलिए, यहाँ से अब हम लोग बढ़ रहे हैं रोप वे के तरफ। तो यहाँ से एंट्रेंस से जो एरो दिखा है वहाँ से आपको चढ़ के अंदर जाना है, और यहाँ पे ये पूरा ऐसा ना सिटिंग अरेंजमेंट बना के रखा है चेयर्स वाइज, आपको इसमें लाइन वाइज बैठना है आपके टिकट के हिसाब से, मतलब आप टिकट लोगे उसके हिसाब से जो पहला जाएगा वैसे एक एक करके आप बैठ जाइए। जब आपका रोप वे नीचे आता है, 2 रोप वे है, एक ऊपर जाने के लिए, एक नीचे आने के लिए, लेकिन दोनों रोप वे एक साथ ही चलता है। जब वो वहाँ से छूटेगा तब ये यहाँ से निकलेगा। तो ये पूरा रोप वे का स्टेशन बना है, जहाँ पे आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो पीसफुली छाव के नीचे। तो वहाँ से अभी वो रोप वे आ चुका है नीचे, और अभी हमारा नंबर आएगा, फिर एक एक करके हम लोग एंटर करेंगे, उसमें बैठेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब जन बैठ चुके आराम से, वेट कर रहे हैं कि कभी हमारा रोप वे नीचे आएगा और हम लोग उसमें बैठ के। फ़िलहाल देखिए पूरा खाली है, लॉकडाउन की वजह से बहुत क्राउड कम है। तो ये देखिए हमारा रोप वे आ गया है नीचे, अभी हम लोग एक एक करके सब जाएंगे इसमें और देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस लगता है। पूरा एसएल वर्ड वाला फीलिंग आ रहा है मुझे इसमें बैठने के लिए, कि जैसे अभी कोई एसएल वर्ड का राइड होगा ना। तो ये देखिए वहाँ से हॉर्न बज चुका था और हम लोग एक एक करके ये स्टेयर्स बनाया है, और ये अलग अलग दरवाज़ा ओपन होता है, क्योंकि ये एकदम सीधा नहीं है, ऐसा स्लोप वे में बना है, क्योंकि पूरा आपको ऐसा ऊपर लेके जाएगा, तो उस हिसाब से आपको
जो डोर जहाँ पे जगह खाली है वो डोर में जाके आराम से अपने सीट पे बैठना है और राइड को एंजॉय करना है। तो अभी हम लोग सब एक एक करके जा रहे हैं, अपने अपने सीट पे बैठेंगे और रोप वे में बैठ चुके हैं। तो जब तक उधर पैसेंजर नहीं आते तब तक दे डोंट स्टार्ट। तभी मैं बता दूँ हम लोग कौन कौन आए। सो वी हैव निशू, माई सेल, सानू, जन्मेश दादा और पीछे बैठी है मम्मी, सुशान, नाना, नानी और अमोल और डैडी। हम लोग टोटल 10 जन हैं, जिसमें से 9 जन को हम लोग ने टिकट निकाला है। सिर्फ इसका हाफ इसका टिकट नहीं निकाला क्योंकि वो क्राइटेरिया में बैठ नहीं रही थी। एंड फाइनली द रोपवे इज गोइंग टू स्टार्ट और ये लोग बहुत एक्साइटेड है रोपवे को लेके कि ये कैसा ऐसा स्ट्रेट ऊपर जाने वाला है। मेरे को भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। नीचे से जब हम लोग देख रहे थे तो सब लोग पीछे देखो बैठे एकदम एक्साइटेड कुछ नया देखने के लिए, है ना। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम लोग कोई ऐसे राइड में किसी राइड में बैठे फर्स्ट टाइम, ना वैसा फील ही आ रहा है क्योंकि एलिमेंट जो रोपवे है ना वो देखो ऐसा है। स्टार्ट हो चुका है, हॉर्न बज चुका है। यहाँ से भी अभी ये ऊपर जाएगा और सामने जो दूसरा रोप है वो नीचे आएगा, बीच में क्रॉसिंग है क्रॉस करके वो नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो वो वाला भी स्टार्ट हो चुका है और ये रोप है भी चालू हो चुका है। चलो एंजॉय, फुल एक्साइटेड, फुल ऑन एक्साइटमेंट है। सच में ऐसा लग रहा है ऐसे लोड रेडी हो रहा है ना। हम लोग पहुंच गए एंड इट वाज अ वेरी नाइस राइड। बहुत जल्दी ख़त्म हो गया छोटा सा, बट बहुत स्लोली स्टेडीली ऊपर लेकर आता है। ऐसा नहीं कि फास्ट आपको लेके आ गया, इट गोज़ वेरी स्लो एंड स्टेडी। और हम लोग देखिए कितना ऊपर आ गए, यहाँ से देखते तो नीचे कितना ये दिख रहा है एंड वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइन। इसके लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसा बोलते वो सही है। तो देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गया है। तभी एंजॉय कसं वाटलं मम्मा रोपे तर मजा आली छान आली इथं दिसतंय कसं वाटलं रोपे मजा आली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियन्स हम लोग का सबका था सच में बहुत मजा आया हम लोग को एन्जॉय किया हम लोग ने देखते देखते आ रहे थे हम लोग तुम्ही पण या मजा घ्यायला जीवदानी माता का दर्शन लेने के लिए आप लोग भी जरूर आना विरार में। चलिए आगे बढ़ते आगे देखते अभी आगे आगे क्या होता है। ये इंजन है जिससे ये पूरा रोप वे एक्सेस होता है। तो ये देखिए ये पूरा इसका आगे का इंजन है, पार्ट है जहाँ से ये एक्सेस हो रहा है। तो अभी हॉल्ट हो गया, जब यहाँ से पैसेंजर भरेगा तब ये नीचे जाएगा और वो वाला ऊपर आएगा। तो रोपवे से निकलने के बाद जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए यहाँ पे लिफ्ट है। तो ऑल द सीनियर सिटीजन आर वेटिंग बिहाइंड, उनको लिफ्ट से अलाउड है। और जो भी यंगस्टर्स है बच्चे हैं उनको सीढ़ी से ही जाना है आगे। तो अभी हम लोग सब चल रहे हैं, आगे सानू है, पीछे मैं हूँ, अमोल, निशु और ये रहा सुशांत और चढ़ना है। हाँ दोन फ्लोर अरे डायरेक्ट ऊपर तक ही देना चाहिए था ना, मतलब उतरो सीधा मंदिर। हाँ जैसे डोनेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो होते जाएगा। क्या जैसे जैसे डोनेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ट्रैक भी बढ़ते जाएगा।
मेरे जैसा बहुत जन सोचते होंगे रोपवे का टिकट ले लिया तो मतलब डायरेक्ट आप ऊपर मंदिर में पहुंच जाओगे, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रोपवे से उतरने के बाद सीनियर सिटीजन्स को लिफ्ट है, बट यंगस्टर लोगों को 7 फ्लोर चढ़ना है फिर भी। तो हम लोग को दोनों एक्सपीरियंस हो गया, रोपवे का भी और सीढ़ी का भी। सानू और जन्मेश 2 फ्लोर चढ़ने के बाद अपने अपने पप्पा के पास चले गए और फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए। और गर्दी नहीं है, बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है, आप पीछे देख सकते हो बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। तो अभी मम्मी डैडी नाना नानी लोग आएंगे, उसके बाद हम लोग अंदर जाके दर्शन स्टार्ट करेंगे। इतने अच्छे से हमारा दर्शन हुआ ना, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो गर्दी बहुत कम है, अदरवाइज तो यहाँ पे आप खड़े भी नहीं रह सकते 2 मिनट से ज़्यादा। इतना फास्ट आपको बोलते चलो चलो आगे बढ़ो बट पीछे देखिए क्राउड बिल्कुल भी नहीं था। आप आराम से अच्छे से खड़े रह के पूरा दर्शन कर सकते हो। और सच में इतना अच्छा लगा ना हम लोग को आज दर्शन करके, ऐसा लग रहा था खड़े रह के देवी आई को देखते रहे। इतना उनका जो ऑरा था इतना प्लेजेंट, इतना अच्छा लगा। और हमारा दर्शन एकदम अच्छे से हो गया जैसा हम चाहते थे। एंड नाउ वी आर आउट मूविंग फ्रॉम योर, अभी आगे बढ़ते आगे थोड़ा देखेंगे, यहाँ से पूरा सीनरी वगैरह देखेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। हम लोग घर से कुछ लेकर आए, फ्रूटी वगैरह लेकर आए, वेफर लेकर आए, तो वो थोड़ा खाएंगे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, व्यू देखेंगे, सनसेट देखेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। देवीचं छान मस्त दर्शन झालं, बरं वाटलं। एरवी गर्दी असते पण ह्या वेळेला चांगलं, गर्दी बिर्दी काय नाही कोरोनामुळे, त्यामुळे मस्त दर्शन। याच्या आधी आली होती पण खूप गर्दी असायची, म्हणजे दर्शन पण घ्यायला मिळायचं ना। आता खूप मस्त दर्शन दिलं देवीने, लोक ठिकाणी मिळाले मस्तपैकी, छान वाटलं। जीवदानी माते की जय। आप लोग तो जानते हो मम्मा कितनी इमोशनल हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू गॉड, तो मम्मा भी एकदम इमोशनल हो गई है क्योंकि हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दी हम लोग जीवदानी आ पाएंगे। बट येस, बोलते ना जब बुलावा आता है तभी आप जा सकते हो, तो फाइनली आज हम लोग का डे था। इसके लिए स्पेशली हम लोग ने अमोल को, काकी को और स्पेशली नाना को, जिनको जीवदानी आना ही था, इनके वजह से मोस्टली पॉसिबल हुआ। बिकॉज नाना ने मुझे जब हम लोग यहाँ पर आए थे तभी कहा था कि मुझे इशिता जीवदानी जाना है, तो तुम लोग मुझे ज़रूर लेके जाना, अभी तुम लोग विरार रहने आ गए। तो दिस वॉज वन ऑफ द मेन रीज़न कि हम लोग यहाँ पर आ पाए। और ऑब्वियसली बंटे अभी फ्लाई होने वाला है, तो उसके जाने से पहले हम लोग चाहते थे कि इस पूरा फैमिली मिल के, पूरा साने फैमिली मिल के एक बार देवी आई के दर्शन कर ले। तो अच्छे से, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हो गया। जय बोल नानो, जीवदानी माते की जय। मेरे नानो यार नानो। देवी आई के दर्शन के बाद हम लोग ऊपर गए थोड़ा, वहाँ पे ये देखिए पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है, कवर्ड है, तो आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो, अपना जो भी स्नैक्स वगैरह लाए वो आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको पानी, जूस, फ्रूटी, मिठाई वगैरह सब मिल जाएगा खाने के लिए। और यहाँ पे और 2 देवी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी हम लोग ने दर्शन किया, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हो गया। यहाँ पे भी फिर हम लोग बैठे, थोड़ा नाश्ता किए और यहाँ पे मुझे कुछ यूट्यूबर्स भी मिल गए जिनको मेरा कैमरा देख के पता चल गया था आई एम व्लॉगिंग, तो मेरे से मिलके गए। और ये देखिए, ये इतना बड़ा स्टोन है, ऐसा माना जाता है कि आप कुछ भी दिल से मांगो और आपका अगर कॉइन वहाँ पे स्टिक हो जाए तो वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सब एक एक करके अपना अपना मन के इच्छा से कॉइन चिपकाने की कोशिश कर रहे थे और लकीली नाना का कॉइन, मतलब काका का कॉइन चिपक गया, बाकी हम सबका कॉइन नीचे कॉइन बॉक्स में चला गया। तो ये एक देवी माँ का मंदिर है, इसके बाजू में और एक देवी माँ का मंदिर है, तो दोनों जगह पे हम लोग ने दर्शन लिया, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हो गया। और उसके बाद हम लोग आराम से यहाँ पे बैठे, बातें कर रहे थे, सनसेट देख रहे थे। माँ मंदिर मध्ये ते देवीचं दर्शन घेतल्यावर आम्ही पायऱ्या चढून वर आल्यानंतर इथे खूप देवीचे मंदिर आहे, म्हणजे बघावीशी वाटतं तशी मंदिर आहेत। आणि इथलं वातावरण पण खूप छान आहे, थंड थंड हवा येते, एवढं उंच डोंगरावर देवीचं मंदिर असल्यामुळे सगळं निसर्गरम्य देखावं बघून खूप बरं वाटतं, मन प्रसन्न होतं।
अनु और जन्मेश दादा क्या एंजॉय कर रहे हो? पॉपकॉर्न और जूसू। हाँ, भूख लग गई है तो पहले ये लोग का पेट पूजा हो रहा है, पॉपकॉर्न खा रहे। कैसा खा रहे देखो, इतनी भूख लगी। दादा बहुत भूख लग गई है ना? एंजॉय किया? दर्शन अच्छे से किया है ना? सानू एंजॉय किया? आप भी पॉपकॉर्न खाओ। हाँ आप भी खाओ। ये देखो आप लोगों को भी पॉपकॉर्न दे रहे हैं जन्मेश दादा। नानू बहुत सारे फोटोज खींचे क्योंकि परफेक्ट सनलाइट सनसेट हो रहा है तो एकदम कैमरा को अच्छा इफेक्ट दे रहा है। तो हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज खींचे जो मैं ऑब्वियसली ब्लॉग में अपलोड करूंगी। और अभी हम लोग को भूख लग गई है तो मिशु और अमोल सब गए कुछ गरम गरम खाने के लाने के लिए। और यहाँ से पूरा विरार दिखाई दे रहा है, ऊपर से इतने सारे बिल्डिंग्स है, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ से व्यू देखना, सनसेट देखना। सच में वी रियली एंजॉय एंड इट वॉज वर्थ कमिंग ईयर। ऐसा ना मानी हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद, इतना अच्छा फील हो रहा है पूरे फैमिली के साथ। सच में हमने बहुत एंजॉय किया है ना, मस्त मज़ा आया। हम लोग लेट हो चुके हैं, रोड पे ऑलरेडी निकल चुकी है तो अभी हम लोग लाइन में बैठे हैं। अभी जब ये वापस ऊपर आएगा तब हमारा नंबर आने वाला है। सो येस फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडेज ब्लॉग। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। आप लोग ने भी जीवदानी माता का दर्शन ले लिया, आपकी भी मनोकामना पूरी करे माता। और आप लोग भी ज़रूर आना जीवदानी दर्शन लेने के लिए। हमारा दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गया, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना भी YouTube family, so I'll see you super soon in my next video. Tab tak ke liye bye bye, take care.